का बेस आपको ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ कि जो DDT पहले लगा करता था और वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में लगता था जी, ठीक है। और बीजेपी बहुत ज्यादा इसमें पंगे ले चुकी थी, ठीक है। और मतलब लिटरली इतनी बढ़िया तरह से बीजेपी ने टैक्स लगाया हुआ था उसके अंदर। वो कहते, थोड़ा सा बता देता हूँ, कि अगर डिविडेंड 100 रुपये देते हो तो वो कहते रेट 15 ही है, पहले 15% DDT लगा करता था, अब वो कहते रेट 15 ही है, लेकिन वो 100 पे नहीं कंप्यूट करना, उन्होंने जो मेथड बताया उससे वो 120 पे कंप्यूट कर रखते थे, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि ये निशानी है जी, जो ये टीवी वाले बोलते हैं कि पढ़ी लिखी सरकार है, सूट बूट की सरकार है, ठीक है, वहां से ये बात समझ में आती थी कि जी इतनी माइन्यूटली चेंज करते थे कि रेवेन्यू भी बढ़ जाए और एक नॉर्मल एक ले मैन को समझ ही नहीं आता था कि रेट बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में। तो वो कहते थे कि जी अगर आप 100 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हो तो DDT जो 15% है वो आपको 120 पे देना होगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल इंसान से पूछो, न्यूज वाले से पूछो कि जी DDT, तो वो कहेंगे कांग्रेस भी 15% लेती थी और बीजेपी भी 15% ही लेती है, बट रेट में बहुत ज्यादा फर्क था, ठीक है। हाउ एवर, अब तो वो सारी बात हिस्ट्री हो गई जी, सो वो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट ये बात जरूर है जी, हर बार जब भी बजट आता है, जब भी बजट आता है, और आई हैव सीन द बजट इन द कांग्रेस सेशंस एज वेल, ठीक है, 2014 से बीजेपी वाले भी मैंने देखे, बट बीजेपी के जो बजट होते हैं जी वो इतने माइन्यूटली स्टडी करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जो अमेंडमेंट्स होती है ना, एक होता है कि मोटी मोटी अमेंडमेंट्स है, तो बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स नहीं करते थे, माइन्यूटली और की जगह ऐड कर दिया, लास्ट में कोई प्रोविजो ऐड कर दी, तो समझ में आता था कि किसी पढ़े लिखे बंदे ने बजट बनाया है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5, बजट 20 के चेंजेस हैं जी, जो कि इस बार पेपर में पहली बार पूछे जाएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वो कहता है डीम्ड डिविडेंड, जो हमने आपको कहां से बताया, 222A से लेकर 222E तक, ABCDE। तो वो कहता है कि जी एंड द इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, अब इनके ऊपर टैक्स कैसे लगा करेगा। पहले पहले क्या होता था कि हमने 1034 और 1035 की एग्जम्पशन दे रखी थी, इन एग्जम्पशन में क्या लिखा था, क्योंकि अब ये भी विड्रॉ कर ली गई हैं, ये भी ओमिट कर दी गई हैं, भी क्रॉस कर दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 1034 के अंदर वो ये बात कहता था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड के ऊपर DDT पे कर दिया है तो शेयर होल्डर या रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्स नहीं होगा। सीधी सी बात थी कि अगर कंपनी ने उसके ऊपर DDT पे कर दिया तो वो रेसिपिएंट के हाथ में टैक्स फ्री होगा। इसको अब ओमिट कर दिया गया क्योंकि इसकी कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि अब DDT नहीं लगता जी सेक्शन 115O के तहत, ठीक है। तो डिविडेंड का जो सेक्शन था, जो पुराना सेक्शन था, वो 115O था, उसको अब ओमिट कर दिया गया है। तो वो कहते हैं कि जी अब फिर इन दो सेक्शंस की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। सो इट इज चार्जेबल टू टैक्स। टैक्सेबल क्यों हो गया, क्योंकि पहले जो एग्जम्पशन थी 1034 और 1035 वाली, वो अब विड्रॉ कर दी गई है, वैसे भी वो मीनिंगलेस हो गई थी क्योंकि अब कोई कंपनी DDT पे ही नहीं करेगी, सो वो ऑब्वियसली टैक्सेबल हो ही जाना था। बट हमने कहा सर ऑप्शन है, वो कह रहे नहीं ऑप्शन भी नहीं है। क्या आप कहें कि सर कंपनी पे करना चाहती है DDT आउट ऑफ द कर्टसी, तो हमने कहा कि जी नहीं, ऐसा आप कुछ भी अब ऑप्शन नहीं है। डिडक्शन स्टार मार्क करेंगे जी, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एक नई चीज लेकर आए हैं, सुनिएगा जी। आगे ना आज मैं आपको सेक्शन 57 पढ़ाऊंगा, 57 डिडक्शंस का है, 56 टैक्सेबिलिटी का है, कौन कौन सी इनकम IOS में टैक्सेबल हो गया, 57 डिडक्शंस का है। उसमें ना एक पॉइंट उन्होंने लिखा है जो ओपन एंडेड है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली इसी इनकम के लिए आपने खर्च किया है तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो डिविडेंड के केस में भी अब मैं डिडक्शन ले सकता था, जबकि कंपनी के हाथ में तो ये ग्रॉस अमाउंट पे टैक्सेबल था, कंपनी को तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती थी। वो कहते हैं कि सर ये P&L अप्रोप्रिएशन की आइटम है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जितना भी डिविडेंड दिया, 5 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, उसके ऊपर फ्लैट आप हमें टैक्स दे दीजिए, जो भी हमारा रेट है उसके हिसाब से। अब जब हमने कहा कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी टेंशन हुई कि इसमें से ना डिडक्शंस ले लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये IOS में टैक्सेबल होगा, 57 में डिडक्शंस लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कैपिंग लगा दी जी, वो कहते हैं कि इसमें से डिविडेंड्स में से, माइंड माय वर्ड्स, डिविडेंड में से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वन, कोई भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वन। हमने कहा सर वो क्या है, वो कहते हैं कि जी इंटरेस्ट की।
अगर आप बोलते हो कि सर ये शेयर्स को खरीदने के लिए मेरे पास अपने रुपए नहीं थे, मैंने तो बैंक से लोन लिया है 10% के ऊपर और फिर मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स के अंदर, ठीक है, और अब जब मेरे को डिविडेंड आ रहा है तो उसमें से मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट माइनस हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जस्टिफाइड है, आप कर सकते हो। अगर आपने वो लोन अपने पैसों से, सॉरी, वो शेयर्स अपने पैसों से नहीं परचेज किए बल्कि बोरोड मनी से वो शेयर्स अगर आपने परचेज किए हैं तो आप उसका इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, लेकिन 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 विद अ कैपिंग ऑफ मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड। मतलब मैंने कहा कि सर मेरे को डिविडेंड आया है 5 लाख, मेरा इंटरेस्ट है 4 लाख, वो कहता नहीं 4 लाख नहीं माइनस होगा, 5 लाख का 20% इंटरेस्ट एक्चुअल और 20% ऑफ द डिविडेंड विच एवर इज लेस, बस इतना इंटरेस्ट माइनस करने दूंगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि पहले क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ एक खर्चा माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन टू द शेयर, लेकिन उस पर भी कैपिंग है जी 20% ऑफ द डिविडेंड। जितना भी आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, मतलब 80% ऑफ द डिविडेंड तो हमेशा मेरे हाथ में टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा। पढ़ लें इसको, आइए जी। डिडक्शन, सबसे पहले वो क्या कहता है, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फ्रॉम द डिविडेंड इनकम, फ्रॉम द डिविडेंड इनकम और द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ठीक है जी। जो कौन से म्यूचुअल फंड, जो कि सेक्शन 1023D के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफाइड कंपनी, जिसको हमने 1035 के अंदर कवर अप किया है, ठीक है। सो ये यहां पे ये सेक्शंस को इतना ज्यादा आपको वेटेज देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बार लाइन में बता रहा हूं। किसी भी कंपनी से आपको डिविडेंड आया या म्यूचुअल फंड से अगर आपको डिविडेंड आया, दो ही जगह से डिविडेंड आपको आता है, ठीक है। किसी भी कंपनी से अगर आपको डिविडेंड आया है तो उसमें से वो क्या बोलता है, नो डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन नहीं दूंगा जी, डिविडेंड में से कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दूंगा, अदर देन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर आपने इंटरेस्ट का कोई खर्चा किया है उसकी डिडक्शन ले लो, लेकिन वो भी इन द प्रीवियस ईयर सच डिडक्शन कैनॉट एक्सीड 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम और द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच यूनिट्स, जो कि आपकी टोटल इनकम में ऐड किए गए हैं विदाउट डिडक्शन, ठीक है जी। 20% किसका करना है, डिविडेंड इनकम विदाउट डिडक्शन, ठीक है। कोई भी डिडक्शन क्लेम करने से पहले ग्रॉस डिविडेंड आपको कितना रिसीव हुआ था, मेरे एग्जांपल में 5 लाख, तो 5 लाख का 20% आप करेंगे, 1 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट आप माइनस नहीं कर सकते, 1 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लेस, तो एक्चुअल था 4 लाख और इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं कितना मिलेगा, 1 लाख। ये जो डिडक्शन की बात है इसके आगे आप लिख लीजिए सेक्शन 57 है, ठीक है। आगे जब सेक्शन 57 पे पहुंचेंगे तब इसको दोबारा से कवर अप करें। ऑथर ने कि आपको कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर दिख जाए तो उसने सारे पॉइंट्स एक ही जगह रख दिए जी डिविडेंड से रिलेटेड, बट ये सेक्शन 57 के अंदर अमेंडमेंट है। ग्रॉसिंग अप, अब प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैंने जो भी पहले बोला है वो हिस्ट्री की बात थी डीडीटी की, अब डिविडेंड्स के ऊपर टीडीएस है। अब टीडीएस है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला कि जी आप अब इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, कितना, 10%, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख रुपए का, तो उसमें से मुझे मेरे बैंक में कितना रुपया मिलेगा, 9 लाख, ठीक है जी। पिक्चर चेंज हो गई है, पहले डीडीटी था और मैंने आपको बोला था डीडीटी इज नॉट ए टीडीएस, ठीक है, तो वो हिस्ट्री की बात है, लेकिन अब इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। जैसे बैंक ब्याज देता है तो उसके ऊपर टीडीएस कट कर लेता है, ऐसी कंपनी जब डिविडेंड देगी तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। अब जब मैं रिटर्न भर रहा हूं और मैंने अपने शेयर होल्डर को बोला कि जी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, उसके बैंक के अंदर 9 लाख रुपया आया हुआ था, ठीक है, और मैंने उसे कहा ये 9 लाख रुपया कहां से आया है, तो कहता रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड दिया था, ये वो है, ठीक है। तो मैंने कहा सर आपको टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख, तो कहता लेकिन मेरे को आया तो 9 लाख है, मैं कहा सर इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा क्योंकि वहां से चले कितने थे, 10 लाख, आपके नाम से डिविडेंड कितना रिकॉर्ड हुआ है 10 लाख रुपए का, 1 लाख का टीडीएस कट गया, तो उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा, तो हम हर बार करते हैं, ठीक है। और आप भी कल अपनी रिटर्न भरे, अपने क्लाइंट की रिटर्न भरे, टीडीएस को हमेशा ग्रॉस अप किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसका 30 लाख रुपए का पैकेज है, ठीक है, उसकी जब मैंने पूरे साल में बैंक स्टेटमेंट से सैलरी कंप्यूट की तो वो कहता 23 लाख रुपया, ठीक है, 23 लाख रुपया मेरे को रिसीव हुआ, मैं कहा 7 लाख रुपया कहाँ गया, कह रहा सर 7 लाख रुपए का उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया 30 लाख के ऊपर,
ठीक है। सो इन दैट केस मैं उसकी टैक्सेबल इनकम सैलरी में 23 लाख लिखूं या 30 लाख, मेरे को वो 30 लाख ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कमाया कितना, 30 लाख, जिसमें से 7 लाख रुपए उसके नाम से हमने टीडीएस दे दिया और 23 लाख रुपए उसके बैंक में दे दिया, बट कंपनी ने उसको पे कितना किया, 30 लाख। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है जी, कि अगर उसमें से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा जी, आप नेट रिसीट अमाउंट पे टैक्स पे करने की बात नहीं कर, फाइन। सो वो कहता है आप प्लीज ग्रॉस अप कर देना, ग्रॉस अप में वो कहता है कि जी कैसे आप ग्रॉस अप करेंगे, नेट डिविडेंड आपको कितना रिसीव हुआ, मेरी एग्जांपल में कितना है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, इस पे रेट कितना है मैंने आपको बोला भी 10%, तो आप 9 लाख डिवाइडेड बाय 90% करेंगे तो ये अमाउंट कितनी है, 10 लाख। तो उसकी मैं आईओएस के अंदर डिविडेंड इनकम कितनी शो करूंगा, 10 लाख रुपया, अगर टीडीएस कटा है तो। क्लियर, ग्रॉसिंग अप बहुत आसान है जी, और ये सिर्फ टीडीएस मतलब डिविडेंड में नहीं करते, इंटरेस्ट इनकम में करेंगे, कमीशन पे करेंगे, 194J, जब मैं आपको टीडीएस वाला चैप्टर बताऊंगा तो आपको सारी टीडीएस दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप कभी भी अपनी रिटर्न भरें या किसी और की रिटर्न भरें, इस चीज का जरूर ध्यान में रखना कि उसके बैंक में जो पैसा आता है वो आफ्टर टीडीएस आता है, तो आपको जो रिटर्न में अमाउंट दिखानी है वो ग्रॉस अप करके दिखानी है। चलिए, है जी, इनको तो डिविडेंड एग्जम्प्ट करना चाहिए था विदाउट एनी टैक्स, विदाउट डीडीटी, विदाउट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला जी, यही अगर पार्टनरशिप में हमारा काम चल रहा होता, एओपी में काम चल रहा होता, तो वहां से जो भी टैक्स पे करने के बाद रुपए मेरे को रिसीव होते हैं वो मेरे हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी अमाउंट, वो प्योरली एग्जम्प्ट होते हैं, बट इट इज अ डबल टैक्सेशन। बट मैंने आपको इंटेंशन भी बताई, हम नहीं चाहते जी हमारे देश की कंपनीज बहुत ज्यादा डिविडेंड दें, that's why to stop that leakage of the capital resources हमने ये बना किया है। चलिए, अब इसमें TDS का rate भी बता रहे हैं, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये अब TDS का section है जी, 194 and 194K, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, author ने सिर्फ कोशिश की है कि dividend के जो जो amendments हैं वो सारी आपको एक पेज के ऊपर बंडल बनाकर दे दी, ठीक है। और जबकि ये देखिए, ये अमेंडमेंट थी 1034 की, ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई, उसका इम्पैक्ट क्या बना, नाउ इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड आईओएस। दूसरा उसने कहा कि जी सेक्शन 57 में अमेंडमेंट किया, आप इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट वन, दैट इज इंटरेस्ट, बट उस पर भी कैपिंग है 20% ऑफ द डिविडेंड और एक्चुअल विच एवर इज लेस। और अब तीसरा आपको बता रहे कि इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, और एक ग्रॉसिंग अप वाला पॉइंट तो बहुत आसान था कि अगर वो टीडीएस डिडक्ट हो के आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं तो आप उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। और अब टीडीएस का क्या रेट है, तो वो कह रहे हैं कंपनी और म्यूचुअल फंड जो भी डिविडेंड पे कर रहे हैं विल नॉट बी लायबल टू पे टीडीएस, विल नॉट बी लायबल टू पे डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। आर वी गुड सो फार, कि वो कहता है कि 115O अब अबॉलिश हो गया है, हाउ एवर अब उनको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा जी 10% अंडर सेक्शन 194। टीडीएस का एक ही सेक्शन है जी 194, एक और है 192, ठीक है, बट 99% टीडीएस के रेट्स 194 में ही आते हैं, और उसमें इनको कौन सा मिला है, 194K। आर वी गुड, ये टीडीएस के चैप्टर में दोबारा से बहुत हाईलाइट करके अच्छे से कवर कर पाएंगे। हाउएवर वो कहता है कि प्लीज छोटे शेयर होल्डर का टीडीएस मत काट लेना, तो हमने कहा छोटा शेयर होल्डर मतलब, तो वो कहता है जो ये दो कंडीशंस पूरी करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लिखा है, एंड नंबर वन कहता है उसे डिविडेंड जो है वो बैंकिंग चैनल से आप पे करें अदर देन कैश, मतलब उसके अकाउंट में ईसीएस डाल दी, उसको यूपीआई कर दिया, आरटीजीएस, नेफ्ट, कुछ भी कर दिया, बट आप उसे कैश नहीं दे रहे, तो हमने कहा सर कैश तो हम किसी को भी नहीं पे करते। दूसरा वो कहता है कि जी उसका जो एग्रीगेट डिविडेंड है आपकी कंपनी से पूरे साल में मिलाकर 5,000 को एक्सीड नहीं करेगा। आपको समझ में आया, छोटा शेयर होल्डर जिसके डिविडेंड के अमाउंट पूरे साल में मिलाकर 5,000 को एक्सीड नहीं करती। मैं पॉइंट नंबर बी थरली रीड कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड और एज द केस में भी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड और लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय दैट कंपनी, सभी कंपनीज का मिलाकर नहीं, मेरे को 10 कंपनी से 4,000 रुपया मिला है, किसी ने मेरा टीडीएस नहीं काटा, द आंसर इज यस, ठीक है, क्योंकि ये जो 5,000 रुपए है ये पर कंपनी है। देखिए एक कंपनी को क्या पता मेरे पास और कौन सी कंपनी के शेयर हैं और नहीं है, और शायद मैं फ्यूचर में ले लूंगा, ठीक है। आप मेरे को इंटरिम डिविडेंड पे करें जून में, तो आप अपनी कंपनी का देख सकते हैं ना,
आपको फ्यूचर का कैसे पता है कि दिसंबर में मेरे को कोई और कंपनी पे करेगी कि नहीं करेगी? तो ये तो वाइबल है ही नहीं कि अगर हम एक्यूमुलेटेड ऑफ ऑल द कंपनीज कर दे, ये क्या है, एक ही कंपनी से अगर मेरा डिविडेंड की अमाउंट 5,000 को एक्सीड नहीं कर रही है और आप मेरे को डिविडेंड कैश में नहीं पे कर रहे, इन दैट केस सरकार कहती है आप टीडीएस डिडक्ट करना रहने देना, बट अगर मेरी अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। सिमिलरली सेम वो कहता है कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए, अगर उनका जो टीडीएस की अमाउंट पूरे साल में 5,000 को एक्सीड नहीं करेगी तो वो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। हाउएवर अगर 5,000 को एक्सीड करती है तो म्यूचुअल फंड वालों को भी मेरा टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये डिविडेंड वाला टॉपिक जी थरली खत्म हो जाता है। किसी भी लाइन में वर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं, जल्दी से रिकॉल करें सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द इलस्ट्रेशंस। आइए जी, सबसे पहले हमने कहा सर टैक्सेबिलिटी, आज से पहले ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं था, वो बच जाता था सेक्शन 1034 और 1035 से, तो हमने कहा सर वो दोनों एग्जम्पशन अब विड्रॉ हो गई, नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। नंबर टू डिडक्शन, वो कह रहा है नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं दूंगा अदर देन वन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डिडक्शन आप ले सकते हैं बट उस पर भी कैपिंग है, एक्चुअल और 20% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट व्हिच एवर इज लेस। ग्रॉस अप आपको करना पड़ेगा अगर आपका टीडीएस कटा है तो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था अगर टीडीएस कटा है तो, मतलब अगर आपको 5,000 से ज्यादा का है, ठीक है। एक और केस आपको बताता हूं, सुनिएगा प्लीज, कई बार कंपनी 4,000 रुपए भी टीडीएस डिडक्ट कर देती है, ठीक है। तो बात ये नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि अगर आपका डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है तो ग्रॉस अप करो, मैंने क्या लाइन बोली है कि अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, अगर टीडीएस नहीं कटा है तो आपको ग्रॉस अप नहीं करना। बैंक वाले भी ऐसा करते हैं, ठीक है। लेट अस से मैं आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि 50,000 से ऊपर आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना है, एल्स उसको नहीं करना है, ठीक है। तो लेट अस से बैंक कई बार ऐसी पॉलिसी बनाता है कि सर हम 35,000 के बाद ही टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जी शायद उसके बाद ये 50 को एक्सीड कर जाए। आर वी गेटिंग इट? देखिए बैंक और इन सब के लिए ना मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। एग्जाम्पलीफाई करता हूं, लेट अस से बैंक से मेरे को 48,000 रुपीज रिसीव हुआ, ठीक है, कब तक, 20 मार्च तक, क्लियर। अब बैंक ने मेरे को पूरा का पूरा 48,000 पे भी कर दिया, नो टीडीएस, क्योंकि मैं 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा था, यहां तक ओके। अब अगले ही दिन मैंने लेट अस से 5 करोड़ की एफडी करवा दी 10 दिनों की, जिसके ऊपर मैं थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, अमाउंट कम ज्यादा आप कर लेना, जिसके ऊपर इंटरेस्ट बना 3,000 का, ठीक है। अब मेरा टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का कितना हो गया, 51,000। बैंक को इस पे टीडीएस कट करना है कितना, 51,100, बट उनके पास मेरे कितने रुपए पड़े हैं, 3,000, तो वो 3,000 इसमें से माइनस कर लें। अब वो मेरे को चिट्ठी भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर 2,000 रुपये आपको और कटवाने पड़ेंगे, तो मैंने कहा कि जी मैं तो देता नहीं, ठीक है, आपको काटने थे तो पहले ही काट लेते, ठीक है, मैं तो खर्च कर गया, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर पेनल्टी किसको लगेगी, बैंक को, क्योंकि सरकार ने किसको बोला था, किसकी ड्यूटी लगाई थी टीडीएस डिडक्ट करने की, तो समटाइम वो बिफोर लिमिट भी डिडक्ट करने शुरू कर देते हैं, रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप कभी झगड़ा करके मत बैठ जाना कि सर मेरा तो 40,000 का डिविडेंड था पूरे साल का, आपने मेरा टीडीएस कैसे डिडक्ट कर लिया, कि 194A तो बोलता है कि 50,000 के बाद ही आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अभी गेटिंग, बैंक अपने आप को सेव करके चलता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। और फिर हमने कहा कि जी अब आपको 115O के अंदर डीडीटी नहीं पे करना है, लेकिन 194K के अंदर अब आपको टीडीएस डिडक्ट, ठीक है, और वो भी अगर आप दो शर्तें पूरी कर दें, दैट यू विल नॉट पे इट इन द कैश, दूसरा 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड आपकी कंपनी से उस शेयर होल्डर को पूरे साल में नहीं जाएगा, तो आप उसका टीडीएस डिडक्ट करना रहने दीजिए। चले आगे, सो इज विद द म्यूचुअल फंड, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे आप, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं जी। कह रहा प्रायर टू दिस अमेंडमेंट जो टैक्स का बर्डन था वो कंपनीज के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर था, क्योंकि उनके हाथ में क्या लगता था, डीडीटी, उनको इसके ऊपर टैक्स जमा करवाना पड़ता था। वेयर इट शुड नॉर्मली बी द डिविडेंड इज इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, तो वो कहता है इंसिडेंस इसीलिए रेसिपिएंट के ऊपर होना चाहिए था। मोर ओवर इन द प्रेजेंट प्रोविजन लेवाई ऑफ टैक्स ऑन द फ्लैट रेट ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कहता है कि जी ये भी एक गलत चीज थी,
चाहे मेरा टैक्स बनता था या नहीं बनता था, मैं निल स्लैब रेट में था या 30% में था, आप मेरा डीडीटी तो कट ही करते थे और उसका कभी भी रिफंड नहीं मिलता था, वो फाइनल पेमेंट थी। हाउएवर वो कहते हैं कि जी अब हमने शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लगा दिया है और अब वो अपने अपने हिसाब से टैक्स जमा करवा दें। ये कब लगा था? वो कहता है फाइनेंस एक्ट 2003 में सबसे पहले आया था, बजट 2003 में, मतलब ये असेसमेंट ये चार पाँच, तीन चार प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये चार पाँच से लगना शुरू हुआ था। फाइन जी, आप प्लीज खुद पढ़ लीजिएगा। और आइए जी अब इलस्ट्रेशंस करते हैं। मेरे को ये ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी डिटेल में बता ही चुका हूँ बैकग्राउंड के साथ। इलस्ट्रेशन 3, XYZ लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 150 लाख, ठीक है जी, 150 लाख रुपीज का इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 और डिस्ट्रीब्यूट कब कर दिया? 31/7/20, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिक्लेयर और पेड विच एवर इज अर्लियर। मिस्टर ए को कहता है 10% शेयर है XYZ लिमिटेड में, तो इनको 15 लाख रुपए आए होंगे, 150 लाख का 10% डिविडेंड, क्योंकि 10% के मालिक हैं तो इनको कितना मिला होगा? 15 लाख रुपए। और वो कहता है कि जी नेट इनको 13.5 लाख ही मिले, तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 10% TDS भी कटना था, 13.5 लाख रुपए। और मिस्टर बी 5% होल्ड करते थे, उनको मिलने थे 7.5 लाख, लेकिन उसमें से 75,000 का डिविडेंड कट करके उनको कितने मिले? 6,75,000 रुपए। कहता है ए और बी आपके पास अपना टैक्स कंप्यूट करना चाहते हैं, ऑल दो इनको कोई और डिविडेंड नहीं रिसीव हुआ, तो हमने कहा बस ठीक है, ये तो क्लियर है जी। ए टैक्स देंगे 15 लाख पे, ग्रॉसिंग अप का क्वेश्चन है, और बी टैक्स देंगे 7.5 लाख पे, हमने डिवाइडेड बाय 90% डिवाइडेड बाय 90% कर दिया ऑफ द एक्चुअल रिसीट। आइए जी इलस्ट्रेशन 4, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल्स 45 इयर्स के हैं और ये आपको ये बता रहे हैं बिजनेस इनकम 15 लाख, नॉर्मल स्लैब रेट है ना, बिजनेस इनकम के ऊपर तो कोई स्पेशल रेट नहीं होता, नॉर्मल स्लैब रेट। कह रहे डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है कितने का? 9 लाख रुपए का नेट। हमने कहा सर ग्रॉस अप करो, 10 लाख रुपए, 10 लाख, ठीक है जी। कहते हैं इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स 2.5 लाख, हमने कहा सर 2 लाख माइनस हो जाएगी, 10 लाख का 20% इंटरेस्ट माइनस होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ही माइनस होता है और कुछ माइनस नहीं होता, बट कितना होगा? 20% और एक्चुअल विच एवर इज लेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 18,60,000, स्पेशल रेट 20% लॉन्ग टर्म है ना, ठीक है, और 112A तो नहीं लग रहा इनके ऊपर, ऑब्वियसली शेयर्स थोड़े ना है, क्या है? बिल्डिंग है। कहता है कि जी टोटल इनकम भी बताओ और टैक्स लाइबिलिटी भी बताओ, टैक्स भी बताओ जी कंप्यूट करके। आइए जी बिजनेस इनकम 15 लाख ओके, कैपिटल गेन 18,60,000 ये भी ओके है जी, सीक्वेंस में चल रहे हैं 5 हेड्स, ठीक है, सबसे पहले पीजीबीपी आएगा क्योंकि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन्स, फिर आईओएस। आईओएस में आए जी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए समझ में आता है, पहले हमने ग्रॉसअप किया 9 लाख को 10 लाख बनाया और उसका 20% 9 लाख का नहीं करना, 10 लाख का करना है, और वो 10 लाख का 20% इज 2 लाख। अभी गुड, तो टोटल इनकम बनी जी 41,60,000, लेकिन इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आपकी जो टोटल इनकम है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक स्पेशल रेट और एक नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट पे वाली आई 23 लाख और 18,60,000 रुपए क्या है? स्पेशल रेट 20%। अभी गुड, दोनों पे टैक्स निकाल दिया जी हमने 8,74,500, 4% सेस जोड़ दिया, तो टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी है 9,09,480 रुपए। इसमें से वो कह रहा है टीडीएस 1 लाख रुपए का टैक्स तो कंपनी मेरा पहले ही डिडक्ट करके भारत सरकार को जमा करवा चुकी है, तो मुझे अब और कितना टैक्स जमा करवाना है? 8,09,480। टीडीएस की प्रोविजन समझ में आती है, क्योंकि 1 लाख का टैक्स तो उस कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने आपके बिहाफ पे पहले ही डिडक्ट करके भारत सरकार को जमा करवा, सरकार में से कितना टैक्स मांग रही थी आज? 9,09,000। मैं कहा सर सुना है 1 लाख रुपए आपके पास पहले पहुंच चुके हैं मेरे नाम से, ठीक है, जब डिविडेंड 194K के अंदर उन्होंने पहले ही 1 लाख रुपया पे कर दिया, तो आप मेरे से 9,09,000 क्यों मांग रहे हो? मैं आपको 8,09,000 दूंगा, 1 लाख रुपया तो मैं पहले ही TDS के तौर पर पे कर चुका हूँ। 23 लाख नॉर्मल स्लैब रेट्स वाले इसमें किया है, की ऊपर 8 लाख, ये देखिए टोटल इनकम में आईडी 8 लाख की है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो एक डिडक्शन है वो चैप्टर 6 से की डिडक्शन थोड़ी ना, वो तो इंटर हेड है, हेड के अंदर ही मिल गई, तो हमने ग्रॉस के अंदर जब टोटल किया पांचों हेड्स की इनकम, तो आईओएस से इनकम ही 8 लाख ऐड की वहीं पे होनी चाहिए थी,
जैसे अगर 10 लाख रुपए का मेरे को रेंट रिसीव हुआ होता तो पहली 30% माइनस करके मैं 7 लाख ऐड करता, है ना। नहीं, दैट यू आर मिस्टेकन। एक्चुअल इंटरेस्ट 2.5 लाख और 20% ऑफ डिविडेंड्स, व्हिच एवर इज लेस। डिविडेंड्स कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख का 20% 2 लाख और एक्चुअल इंटरेस्ट 2.5 लाख, व्हिच एवर इज लेस। फाइन, किसी और वैल्यू में, ट्रीटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, चले आगे। राहुल कहते हैं कि जी होल्ड करते हैं 28% इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, टुक अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम द सेम कंपनी। हमने कहा 222E मत लगा देना, ठीक है जी। लोन ले रहा है कंपनी से ही, जिसके अंदर जिसके पास कितने शेयर हैं? 28%। ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 4 लाख रुपए के। तो 5 लाख रुपए का लोन है, कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं? 4 लाख रुपए। 5 लाख में से 4 लाख रुपया 222E मान लिया जाएगा अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो। बट अभी तक बताया नहीं क्लोजली हेल्ड है कि नहीं। कहता कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर वन, कहता है क्या ये अमाउंट लोन वाली डीम्ड डिविडेंड मान ली जाएगी राहुल के हैंड में अगर ये कंपनी ऐसी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है? तो मैंने कहा आंसर इज नो, नो, फिर 22E विल नॉट अप्लाई। पॉइंट नंबर टू में क्या पूछ रहा है? कहता व्हाट वुड बी योर आंसर अगर लेंडिंग कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियसली पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकती थी। फिर 222E लग जाएगा लेकिन सिर्फ 4 लाख, लेकिन सिर्फ 4 लाख पे, और राहुल के IOS में 4 लाख रुपए ऐड कर दिए जाएंगे।